बनाएंगे बंगाली पाइनएप्पल की चटनी। इसके लिए हमने ये पाइनएप्पल काट के रख लिए हैं। इसका बीज का निकाल के इसे इस तरह से काट लिया है। ये आधा पाइनएप्पल है। अब इसे चाहे तो आप ग्रेट कर ले या फिर मिक्सी में थोड़ा चंक कर ले। पाइनएप्पल को इस तरह से कर लिया है, इसे बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा है ये। पाइनएप्पल को एक कढ़ाई में डाल लिया है। जितना पाइनएप्पल का पेस्ट है उससे आधा हम इसमें चीनी डाल देंगे। अभी सीजन का पाइनएप्पल है इसलिए बहुत मीठा है, इसलिए चीनी थोड़ा कमी डाल रहे हैं। चीनी पाइनएप्पल के हिसाब से डालें, अगर पाइनएप्पल ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, अब इसे गर्म होने दें। ये गर्म हो चुका है, अब इसे हम करीब 3 से 4 मिनट उबालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में कर लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, किशमिश को बहुत अच्छी तरह से धो लिया था हमने। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक। नमक और काला नमक डाल के इसे मिक्स करें। देखिए इस तरह से ये हो गई है। इसे थोड़ा सा और उबाल लें। ये इस तरह से हो गया है, ये देखिए बिल्कुल पक चुकी है चीनी। पाइनएप्पल में भी एक कलर आ गया है। अब गैस को बंद कर दें। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालें। अब इसमें 2 से 4 बूंद हम नींबू का डालेंगे, नींबू ज़्यादा ना डालें, पाइनएप्पल खट्टा होता है, बस 4 से 5 बूंद नींबू डाल देंगे। नींबू से इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस पे एक तड़का लगाने वाला चढ़ा दिया है। 1 चम्मच गाय का घी डाला है, घी को गर्म होने दें। अब इसमें ये थोड़ा सा पंचफोरन डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो छौंकन जल जाएगा। इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये होते ही इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। घी गर्म है इसी में ये हो जाएगा। चटनी को एक कटोरी में डाल लिया है, अब इसके ऊपर ये छौंकन डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लें। इस तरह से बनाएं पाइनएप्पल की चटनी, ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। बंगाल में ये बनती है। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।